एस्ट्रो टेक्निकल बिना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से अपने यूट्यूब वीडियो को अपने गैलरी में सेव करते हैं, ठीक है। और अपने यूट्यूब वीडियो अपने देखे होंगे या तो फिर आप जानते होंगे कि किस तरह से यूट्यूब वीडियो जब हम लोग डाउनलोड करते तो फिर वो हमारे मोबाइल के एक इंटरनल स्टोरेज में ही रह जाते हैं, ठीक है। और जब हम लोग अपने मेमोरी को कहीं निकालते हैं या तो फिर कहीं और प्ले करना चाहते हैं किसी और टीवी वगैरह कुछ में, तो फिर नहीं होती है, ठीक है। तो इन सारे झंझट को मैं आप लोगों के सामने अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर इस चैनल को एसटी टेक्निकल बिना यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। यूट्यूब वीडियो को अपने गैलरी या अपने फाइल में डाउनलोड करने के लिए यूट्यूब ऐप को ओपन करते हैं। यूट्यूब ऐप को ओपन करने के बाद आप कोई सभी वीडियो आप अपने गैलरी या तो फिर अपने फाइल में सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, उस वाले वीडियो पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं कोई सभी वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और कोई सभी वीडियो को डाउनलोड करता हूँ। तो मैं सिंपली आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाले वीडियो को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये वाला वीडियो को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो सिंपली वीडियो के नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं शेयर में जाएंगे। शेयर में जाने के बाद कॉपी लिंक करेंगे। कॉपी लिंक हो जाने के बाद यहाँ नीचे में ऑलरेडी लिख चुकी है, यहाँ नीचे में ऑलरेडी दिखा रहा है कि हमारा कॉपी लिंक हो चुकी है। तो सिंपली हम लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आप जिस वाले भी यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउजर या तो फिर क्रोम गूगल, तो मैं क्रोम ब्राउजर यूज़ करता हूँ। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ सिंपली हम लोग टैप कर देंगे YouTube वीडियो फ्री डाउनलोडर, ठीक है। YouTube वीडियो डाउनलोडर टाइप करने के बाद हमारे सामने इस तरह की इंटरफेस आ जाती है और ऊपर में एक साइट खुल जाता है, ठीक है। तो हम इस वाले पर हम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद हमारे सामने इस तरह की इंटरफेस आ जाती है और यहाँ URL कॉपी करने के लिए URL इंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। जो हम जिस वाले वीडियो की लिंक हम कॉपी किए थे उस वाले, तो सिंपली से हम यहाँ लिंक को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे सामने देखिए यहाँ वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और डाउनलोड और MP4 720 मेगापिक्सल का ऑप्शन दिए हुए। तो आप चाहें यहाँ पे जितने भी मेगापिक्सल में आप वीडियो डाउनलोड करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे रहने देता हूँ और डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। देखिए यहाँ नीचे ऑलरेडी लिखा चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो सच में हमारे फाइल मैनेजर में आई है या नहीं, हमारे फाइल मैनेजर में है कि नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन किया हूँ और फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद देखिए हमारे वीडियो जो हमने डाउनलोड किया, जो मैंने डाउनलोड किया था वो वाले वीडियो यहाँ देखिए ऊपर में आ चुकी है, ठीक है। ये वाले वीडियो को मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाली वीडियो हमारे फाइल में ऑलरेडी आ चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कुछ इससे समझ में आई होगी। तो चलिए, टेक्निकल बिना यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय।